राजधानी देहरादून के विकास नगर में आज जन संघर्ष मोर्चा अध्यक्ष और जीएमवीएन के पूर्व उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी ने प्रेस वार्ता आयोजित की। आयोजित प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि फरवरी 2023 में बेरोजगार संघ द्वारा महारैली का आयोजन किया गया था, जिसमें पत्थरबाजों द्वारा बेरोजगारों और पुलिस कर्मियों पर घातक हमला किया गया था। साथ ही इस आंदोलन को फंडिंग की बात उभर कर सामने आई थी, जिसको लेकर एसएसपी दिलीप सिंह कुंवर द्वारा 14 फरवरी 2023 को बयान जारी किया गया था कि उस आंदोलन को राजनीतिक दलों, कोचिंग संस्थानों और अन्य लोगों द्वारा किसी खास मकसद से फंडिंग की गई है, लेकिन आज तक फंडिंग करने वालों का पर्दाफाश नहीं हो पाया। ऐसे में जन संघर्ष मोर्चा ने कहा कि फंडिंग मामले को लेकर मोर्चा पूर्व में दिनांक 3 अप्रैल 2023 को डीजीपी अशोक कुमार के सामने भी रख चुका है, लेकिन आज तक कोई ठोस कार्रवाई इस मामले में नहीं हो पाई है। ऐसे हालातों को लेकर नेगी ने स्पष्ट किया है कि मोर्चा सरकार से पत्थरबाजों और फंडिंग करने वालों को चिन्हित कर इन पर रासुका के तहत कार्रवाई की मांग करता है। अगर सरकार ने कार्रवाई नहीं की तो मजबूरन मोर्चा को सड़कों पर उतरना पड़ेगा, और अगर आंदोलन में कोई फंडिंग नहीं हुई है तो एसएसपी डीआईजी का बयान निश्चित तौर पर दुर्भाग्यपूर्ण है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उत्तराखंड से स्टेट हेड अवनीश जैन की रिपोर्ट। बेरोजगारों का एक आंदोलन हुआ था, उत्तराखंड बेरोजगार मंच द्वारा उसको शायद उठाया गया था, तो और उसमें जो तत्कालीन एसएसपी थे दिलीप सिंह कुंवर जी, उन्होंने बड़ी बड़ी बातें उसमें कही थी, बहुत बयान भी दिया उस बारे में कि इस आंदोलन को फंडिंग हुई है। और अगर हमारा कहना इसमें यह कि अगर आंदोलन को फंडिंग हुई है तो निश्चित तौर पर यह प्रदेश बिल्कुल जम्मू कश्मीर बनने में इसको देर नहीं लगेगी। फंडिंग वाला मैटर बहुत महत्वपूर्ण है, अगर फंडिंग के माध्यम से आंदोलन होंगे, पत्थरबाजी होगी, तो ये इस प्रदेश के लिए शुभ संकेत नहीं है। और इसमें हमारा ये कहना है, सबसे बड़ी बात ये कि अगर इस मामले में फंडिंग नहीं हुई है, जो तत्कालीन एसएसपी हैं श्री दलीप सिंह कुंवर जी, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये मैटर इतना आसान नहीं है, इतना छोटा भी नहीं है। हमारा कहना ये है कि उस मामले में जो बेरोजगारों का जो आंदोलन हुआ था, जो फंडिंग की बात आई थी, उसमें कौन से साजिशकर्ता थे, कौन से जो गिरोह थे, कौन से कोचिंग सेंटर थे, कौन पॉलिटिकल लोग थे जिन्होंने ये तमाम फंडिंग की है, और उनका उद्देश्य क्या था, क्या सरकारों को अपदस्थ करने का था, क्या कहीं ना कहीं उनकी कुछ और मंशा थी, ये सारी चीजें जनता के सामने आनी चाहिए। अगर ये जनता के सामने नहीं आए तो निश्चित तौर पर प्रदेश का दुर्भाग्य होगा। जन संघर्ष मोर्चा लगातार 1.5 वर्ष से अधिक समय से इस फंडिंग वाले मैटर को उजागर करने के लिए हमने तमाम माननीय मुख्यमंत्री जी को भी, पुलिस मुख्यालय में डीजीपी साहब को भी हमने कार्रवाई की मांग को लेकर के ज्ञापन देके आप इसमें कार्रवाई कीजिए, ये बहुत घातक इसके परिणाम होंगे, ये बहुत गंभीर मुद्दा है, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं है।